नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिला और शुरुआत बहुत कमजोर थी। दरअसल हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज 300 पॉइंट्स नीचे जाएंगे, एटलीस्ट शुरुआती संकेत बेहद कमजोर थे। निके बता रहा था जैपनीज मार्केट की 1100 पॉइंट्स की गिरावट वहां पर हो चुकी। हैंगसेंग में बहुत जबरदस्त बिकवाली थी, कॉस्पी भयंकर तरीके से टूटा था, तो आज तो हालत ऐसी टाइट थी। खबर क्या आई थी कि इसराइल ने ईरान के ऊपर एक हमला किया और ईरान में कुछ विस्फोट की खबर आई थी। अब कोई न्यूज एजेंसी और इससे ज्यादा डैमेज बता नहीं रही थी कि कितना डैमेज हुआ। सब अपने अपने दफ्तरों में यहां पर भारत में हिसाब किताब लगा रहे थे कि भैया वहां पर ये हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, और कोई कह रहा था ड्रोन से हमला हुआ है, कोई कह रहा था मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन कितना डैमेज हुआ किसी को नहीं पता था। बस ये पता था विस्फोट हो गया है ईरान में। तो आप ये समझो ऐसे तनाव में ओपनिंग करने जा रहे थे हम। अब 300 पॉइंट्स तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि नीचे जाएंगे, लेकिन इंडियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई वो थी 21861 के लेवल पे, 134 पॉइंट्स डाउन। तो कंफ्यूजन यहीं से शुरू हो गया कि ये उतना डैमेज है भी कि सिर्फ ऐसे ही हड़कंप ही मचा हुआ है मार्केट में। डर, एक जो फियर फैक्टर होता है वो हावी था। तो उसके बाद जो नीचे गए, 218 पॉइंट्स नीचे हो गया था एक बार निफ्टी। आज के दिन का लो है 21777। बस ये शुरुआती 15 मिनट की स्टोरी है। उसके बाद तो रिकवरी देखी, धीरे धीरे करके संभलना शुरू किया। और उसके बाद जैसे जैसे ये न्यूज फेड होती चली गई, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आए कि नहीं, जो दो कुछ ड्रोन थे उनको मार गिराया है, और उसके बाद कोई रिटेलिएशन नहीं कर रहे हैं ईरान वाले इसराइल के ऊपर, तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट पिकअप हुआ। और पिकअप क्या हुआ, ऐसा तेज हुआ, 22179 ये आज के दिन का हाई लगा दिया। लेटर हाफ में तेज हो गया था, जो सेकंड सेशन था मार्केट का वो बहुत तेजी मार्केट में देखने को मिली। तो निचले स्तरों से सौदे पलटे और आज के दिन का हाई 22169 का, क्लोजिंग आई है 22147 के लेवल की, 151 अंक क्लोज टू क्लोज निफ्टी बढ़ा है। लेकिन निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी, निफ्टी बैंक 504 अंक बढ़कर बंद हुआ। यहां पर निचले स्तरों से तगड़ी रिकवरी थी और 47574 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 599 अंक बढ़कर 73088 के लेवल पे बंद हुआ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ निचले स्तरों से जो तगड़ी रिकवरी आई उस पर निफ्टी आज के दिन का निचला स्तर है 21777 और क्लोजिंग आई है 22147, यानी कि 370 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 46579 के लेवल का निचला स्तर था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो है 47574 के लेवल की, यानी कि 995 अंकों की रिकवरी के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है। तो रिकवरी तो थी, किसके नाम थी रिकवरी, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसमें था एचडीएफसी बैंक, 45 अंकों कंट्रीब्यूशन इसकी तरफ से, और नतीजों से पहले एकदम से एक्टिव हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच, लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई। इसके अलावा बजाज फाइनेंस तो आज बहुत तगड़े रिटर्न दे रहा था, निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। आईसीआईसीआई बैंक, M&M, ITC ये सपोर्ट कर गए आज, लेकिन गिरावट वाले भी थे जिसमें L&T, TCS, बजाज ऑटो, इन्फोसिस और टाटा मोटर्स शामिल थे। एडवांसेस 30 निफ्टी के और गिरने वाले थे 19, एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन ये एकदम से एडवांस डिक्लाइन रेशियो को हमने पलटता देखा, जब शुरू हुए थे तो फिर तो कोई चढ़ने को तैयार ही नहीं था, इक्के दुक्के स्टॉक थे निफ्टी के जो चढ़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके मार्केट पिकअप हुआ और 30 स्टॉक्स निफ्टी के चढ़ गए। निफ्टी गेनर्स में बजाज फाइनेंस 3% से ज्यादा तेज हुआ, अगले हफ्ते आने नतीजे। M&M तेज हुआ 3%, HDFC बैंक के नतीजे हैं, शनिवार को उससे पहले 2.5% ऊपर हो गया। मारुति और JSW स्टील इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में बजाज ऑटो नतीजों के बाद 2.5% टूटा है, नेस्ले, डेविस लैब्स, HCL टेक और L&T जैसे स्टॉक्स पे आज डेंट पड़ गया। FNO गेनर्स में RBL बैंक सबसे तेज चला है 3.25%, बजाज फाइनेंस निफ्टी का ही टॉप गेनर है। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स, M&M, मारुति, ऑटोज में बहुत तगड़ी खरीदारी आज के सत्र में बनती हुई नजर आ, और ऑटोज में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो अगले हफ्ते सोमवार को एलन मस्क की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक है, उससे पहले एकदम से ऑटो स्टॉक्स में आज के सत्र में खरीदारी हुई है। FNO लूजर्स में टाटा कम्युनिकेशन, ये स्टॉक 5.25% टूटा, ल्यूपिन, कमेंस, M&M फाइनेंशियल, MCX इंडिया में भी आज के सत्र में 2.5% से 3% की करेक्शन देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में फोर्स मोटर्स, क्या फोर्स के साथ चला, 15% ऊपर, कावेरी सीट 10% चढ़िया, एलेकॉन 10% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, रेपको होम, RK फोर्जिंग, जस्ट डायल, रेमंड, आयनॉक्स विंड, ये एकदम से बाजार में जो रिकवरी आई थी ना इन स्टॉक्स में बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली, 5% से करीब करीब 7.5% उछले हैं ये स्टॉक्स। मिड कैप लूजर्स में जुबिलेंट फार्मोवा, क्रिसिल, न्यूरेंट लैब्स, एंजल वन, मैस्टेक, IIFL इन स्टॉक्स पे आज 3% से 5% का डेंट पड़ गया। सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंशियल्स जिसको लीड कर रहे थे बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक, दोनों ही स्टॉक्स में आज खूब खरीदारी हुई है और अगले हफ्ते नतीजे हैं दोनों के, बजाज फिनसर्व के भी नतीजे अगले हफ्ते हैं, ICICI बैंक के नतीजे हैं लेकिन वो अगले हफ्ते शनिवार को हैं। इसके अलावा चोला फाइनेंस, IDFC इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में RBL बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक
सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक तेज थे और आज निजी क्षेत्र के बैंक्स पे बेट ज्यादा लग रही थी, सरकारी बैंक्स पे नहीं। मेटल्स में जेएसएल, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 2% से 2.5% ऊपर है, जेएसपीएल, नालको, एपीएल, अपोलो, टाटा स्टील में हल्की खरीदारी थी। और ऑटोज में जो चढ़े वो है एमएनएम और मारुति, साथ ही साथ मदरसन, लेकिन जहां पर गिरावट थी वो था बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एक्साइड, हीरो मोटोकॉर्प और टाटा मोटर्स। एफएमसीजी में आईटीसी, एचयूएल तो चढ़ गए, लेकिन जो गिरे हैं वो है मैकडॉवेल, नेस्ले, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, कोलगेट। और रियल एस्टेट में आज स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला, जैसे कि शोभा, सनटेक, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा, ओबरे रियल्टी आधे फीसदी से करीब करीब 3.5% टूटे। फार्मा में ल्यूपिन, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, लालपाथ लैब्स, डिविस लैब्स, जायडस लाइफ, ग्रैन्यूल्स, सब में बिकवाली आज के सत्र में। सबसे ज्यादा टूटा है ल्यूपिन 3%। आईटी सेक्टर में आज एम्फेसिस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, टीसीएस, एलटीटीएस, एलटीआईएम, इंफोसिस, जहां देखो वहां बिकवाली थी। और विप्रो नतीजों से पहले 2.25% चढ़ गया, परसिस्टेंट का स्टॉक चढ़ गया आज 2%, और टेक महिंद्रा में भी 1% की खरीदारी देखने को मिली। वोडा आइडिया का एफपीओ 22 अप्रैल तक खुला रहेगा, इश्यू साइज 18,000 करोड़ रुपए का है, दूसरे दिन तक 0.54 times सब्सक्राइब हो चुका है, प्राइस बैंड रखा गया है 10 रुपए से 11 रुपए प्रति शेयर का। अब आगे क्या होगा देखिए, इसराइल और ईरान से जुड़ी कोई भी खबर आएगी ना वो मार्केट पे बहुत बड़ा असर डालेगी। भैया आज तो खबर के चलते ही निपट गए थे शुरुआती सत्र में, ऐसा डर का माहौल था। 300 पॉइंट्स आप सोच रहे हो कि इंडिकेटिव एक्शन में अगर आपको दिखाई दे कि गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट नीचे है, निके का मार्केट जो है जापानीज मार्केट वो 1100 पॉइंट नीचे है, तो ट्रेडिंग स्क्रीन खोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, ऐसी मार्केट देखने को मिली थी। वो तो पता ही था कि गए आज तो, लेकिन उसके बाद रिकवरी, तो फिर बुल्स ने एक स्ट्रेंथ दिखाई है आज, रिकवरी जो आई वो बहुत ही शानदार थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स को टेस्ट करके हम ऊपर आ गए हैं, तो ठीक है। और वैसे भी आज लोकसभा चुनाव का पहला चरण था तो रिकवरी तो आनी थी, लेकिन ये रिकवरी अच्छी खासी थी, शार्प रिकवरी मैं कहूंगा, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से पलटे। लेकिन ये भी है कि हम 50 दिनों की औसत के फिर से ऊपर आ गए हैं, 20 दिनों की औसत के नीचे हैं, तो एक दायरे में फंसे रहेंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के नतीजे जो कि कल आने हैं शनिवार को 20 तारीख को 20 अप्रैल को, तो वो एक बड़ा इंपैक्ट डालेंगे सोमवार को जब बाजार खुलेगा। अच्छा फिर जब बाजार बंद हो जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ जाएंगे, तो दो हैवी वेट्स हैं, उनके नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सोमवार को एलन मस्क की प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक भी है, मुलाकात है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और आपने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में कई ऐसे स्टॉक्स थे जो अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ऑटो एंसिलरी स्पेस भी कहीं ना कहीं फोकस में रहने वाला है। अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, अप्रैल सीरीज एक्सपायर हो जाएगी निफ्टी की, तो वो फोकस में, और दो तरफा चाल मार्केट पे देखने को मिलेगी, सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनेंगे क्योंकि अब ऑप्शन राइटर्स मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में हावी हो जाएंगे मार्केट के ऊपर। ऊपर 22,350 22,450 के ऊपर निकलने की फिलहाल तो अभी हिम्मत है नहीं। हाँ कुछ करिश्मा हो गया, एकदम से अच्छी पॉजिटिव खबर आ गई, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हो गई, तब तो हिम्मत करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस बैठता है वो 22,350 22,450 के जोन में ही बैठता है। अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, और अगले हफ्ते यूएस के Q1 GDP आंकड़ों का पहला अनुमान जारी हो जाएगा, अच्छे नतीजों वाली कंपनियों पर ही बैट लगेगी। और जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे बाजार में उनके स्टॉक्स चढ़ेंगे, और जिनके नहीं उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। लेकिन बहुत क्रूशल हफ्ता है इसलिए क्योंकि नतीजे आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के, जैसे कि टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, नेस्ले, FMCG पूरा का पूरा सेक्टर फोकस में, फिर एक्सिस बैंक, LTIM, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मारुति, HCL टेक, ये सब कंपनियां अगले हफ्ते नतीजे देंगी। ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, ACC के नतीजे आने हैं, तो रिजल्ट्स हैवी वीक रहने वाला है। और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस बाजार पर इस समय सबसे बड़ा एक बैक ऑफ द माइंड है ट्रेडर्स के, कि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है अगर ये ईज आउट होती हैं तभी चलेंगे, नहीं तो फिर एक रेंज में फंस जाए वो ही बेहतर है। और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत तगड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन बाजार में आज जो शुरुआती डर था ना वो धीरे धीरे करके हमने फेड आउट होते हुए देखा, और उसके चलते एक रिकवरी आ गई। लेकिन दिस इज वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, अभी कोई खतरा टला नहीं है। तो जो भी खबर ये वीकेंड के दौरान ये इसराइल और ईरान के ऊपर आएगी उसका एक बड़ा इम्पैक्ट फिर से सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन HDFC बैंक के नतीजे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे ये भी फोकस में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।